I would definitely want to continue singing. College में गाते आए, school में गाते आए, awards जीते, and खास तौर पे जब किसी से प्यार हो जाए, तो उस situation में आप ये करते हैं. हमारे देश में बहुत रोतलू गाने चलते हैं कि मेरा दिल टूट गया. There is an intimacy, there is a trust. Hi, मैं हूँ चैंग और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पर. वेल वेलकम चैंग ऑन मायापुरी. एंड जिस तरह से हम जर्नी आपकी देखते हैं चैंग, एज अ सिंगर आई थिंक आप आए थे इंडस्ट्री में, और उसके आगे फिर होस्ट बनना, फिर एज अ डांसर, फिर एक्टर, कभी सोचा था आपने यहाँ तक ग्रोथ जो है आपको इस इंडस्ट्री में मिलेगी? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? किस तरह से आप अपनी अमेजिंग जर्नी को, ग्रोइंग जर्नी को देखते हैं? मैं अपनी जर्नी को एक बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी मानता हूँ, बिकॉज सच बोलूँ तो मैं जब आया था शुरुआत में, इट वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. मैंने जब डेंटिस्ट्री क्लियर की थी, और अगर आप मेरे पुराने स्लैम बुक्स देखें स्कूल के, कॉलेज के, तो एक सेक्शन होता है जो लिखा होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी 5 years फ्रॉम नाउ और 10 years फ्रॉम नाउ. एंड कोई ज्योतिष तो है नहीं जो बोल दे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट वन ऑफ माई डिज़ायर्स यूज टू बी कि मैं जो भी कर रहा हूँ आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू कंटिन्यू सिंगिंग, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट जो मैं बचपन से करता आया हूँ, जो मुझे डैड से मिली विरासत में. उनको गाने का बहुत शौक है तो मुझे गाने का बहुत शौक हुआ, मेरे बहुत सारे म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस उनसे आए हैं. सो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आई सेड कि ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि आई कैन गो एंड कंटिन्यू सिंगिंग, चाहे वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों ना हो. नन ऑफ अस वर वेरी श्योर अबाउट हाउ लॉन्ग दिस वुड बी, बिकॉज हमारी पूरी जनरेशन में आई डोंट थिंक वी हैड टू मेनी पीपल हुव कम इनटू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. मतलब इक्का दुक्का कभी अगर जूनियर एक्टर्स चाहिए बिकॉज द स्टोरी रिक्वायर्स चाइनीज पीपल और एशियन पीपल, तो उसमें मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, बट फुल टाइम इन टू दिस बिजनेस आई थिंक आई एम स्टिल द ओनली वन हु इज डूइंग दिस. आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, एंड हमारी फैमिली पूरी डेंटिस्ट की फैमिली है, विच इज़ वाई आई एम सेइंग आई एम द ब्लैक शीप, की डेंटिस्ट्री कम्प्लीट करने के बाद आई एम इन टू दिस. एंड नहीं सोचा था कि सबसे पहले तो नहीं सोचा था कि इतनी दूर आने का मौका मिलेगा, प्योरली फॉर सिंगिंग, बिकॉज शौक है. कॉलेज में गाते आए, स्कूल में गाते आए, अवार्ड्स जीते, लेकिन दुनिया का जो एक जो क्रीड़ा स्थल जो कहते हैं, दैट इज़ मच मोर कम्पेटिटिव. व्हेन यू गेट आउट देयर यू सी दैट देर आर सो मेनी मोर पीपल हु आर ट्रेन्ड फॉर इयर्स, हु आर सो टैलेंटेड, और अगर नहीं भी हैं तो उनकी एक अदा होती है, एक अंदाज होता है. सो आई वेंट फॉर इट, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट आई वॉन्टेड टू हैव फन. And that has been my mantra throughout. I know that there's a lot of competition. I know that there are so many people out there who can fit into the same thing, who I can replace or they can replace me. But there's something very special about me, which I took forward. And us tarah se pehle singing se phir hosting se acting and everything else. All these opportunities came my way, which is why I say very blessed. ऐसा ही नहीं कि आसमान से टपक पड़े, मेहनत की है, लेकिन जो पहला एक जो होता है कि एक थोड़ा सा एक लक चाहिए होता है, एंड दैट इज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई हैव बीन एबल टू डू व्हाट आई कैन डू एंड आई लव इट. बिल्कुल, बहुत ही अलग अलग अंदाज से आपने अपने फैंस को एंटरटेन किया, एंड सिंगिंग की आपने बात की, झूठी चाय काफी एक पॉपुलर गाना हुआ, क्या कहेंगे, ऑडियंस ने काफी प्यार दिया. Sometimes some songs just jump out of the audience and it is very awesome ki kaise ho jata hai, kyunki Judi Chai came from, even though it's a very sweet romantic song and catchy, aur alag naam hai, yes, kuch catchy hai wo isliye hai kyunki jab aap kisi ke sath bahut comfortable hote hai na, unhi ke sath aap Judi Chai share kar sakte hain, and khaas taur pe jab kisi se pyar ho jaye to us situation mein aap ye karte hain. तो ये सॉन्ग वैसे इसका बैकग्राउंड तो ये है कि ये थोड़ा हार्ट ब्रेक से आया था, बट इट वाज माय डिसीजन कि हम लोग इसे बड़ा एक स्वीट सा गाना बनाएंगे, प्यारा सा गाना बनाएंगे, रोतलू नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत रोतलू गाने चलते हैं कि मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, मैं ख़त्म हो गया. आई डिडंट वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज वी हैड भरमार हो गई है उसकी, तो अगर दिल टूटे भी तो उसको अच्छी तरीके से कैसे ले सकते हैं इन अ नाइस पॉजिटिव वे, एंड दैट इज़ वॉट झूठी चाय इज़ अबाउट. It is about all those memories जो आपने किसी special के साथ share की हैं, and जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, आपके पास वो यादें रहेंगी. And people have liked the title, people have also asked me कि आपने title में झूठ ही लिखा है, झूठी नहीं लिखा है, and
दैट वॉज ऑल्सो इन अ वे इट वॉज सपोज टू गो बोथ वेज कि झूठी चाय बिकॉज देयर इज एन इंटिमेसी देयर इज अ ट्रस्ट एंड झूठी क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाई तो वहीं पर ख़त्म हो गई एंड इट्स अ वेरी चाय इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस इट्स अ पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ आर लाइव्स उसके बिना हमारी जिंदगी हमारा दिन नहीं निकलता है तो वी वॉन्टेड टू इक्वेट चाय विद प्यार एंड ऑल दोज मेमरीज दैट यू शेयर ओवर इट एंड उसमें बहुत सारी सिमिलीज हैं और बहुत सारे कंपेरिजन्स हैं एंड पीपल हैव रियली लाइक्ड इट बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जितना आप गाने में 10,000 चीज़ें डाल दें ओवर प्रोड्यूस कर दें जो भी करें समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज वॉट वर्क्स एंड दैट इज वॉट पीपल हैव लाइक्ड सो थैंक यू ग्रेट वेल झलक की बात करना चाहेंगे अंजलि को सपोर्ट करने गए थे और घर वापसी लगा आपको जाना बैक टू होम लाइक क्योंकि वो उस शो का जो हिस्सा भी रहे आप और विनर भी रहे तो कैसी फीलिंग थी झलक को लेकर जानना चाहेंगे मैं सच कहूँ तो मैं बहुत टेंशन में था क्योंकि मुझे जाके कम्पीट करना नहीं था मुझे जजेस स्कोर देने वाले थे नहीं मुझे ज़्यादा नाचना भी नहीं था बट टू जस्ट गेट बैक टू आई वुड से कि इतने सालों में मैंने जितनी भी चीज़ें की झलक वॉज प्रॉबेबली वन ऑफ द टफेस्ट क्योंकि ये तब की भी बात है जब झलक में नॉन डांसर्स भी होते थे एंड इट यूज टू बिकम अ जर्नी ऑफ द ग्रोथ अब मैं जब झलक देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर 13 कंटेस्टेंट्स हैं तो सबके सब इतना अच्छा डांस करते हैं कि आप जज कैसे करेंगे उन्हें इट्स डिफिकल्ट टू चूज अ विनर फ्रॉम दैट सो आई हैव वेरी 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 गुड मेमरीज ऑफ झलक बेसिकली टू शो माई सेल्फ कि मुझे नहीं आता है डांस लेकिन मैं अगर करता रहूँ प्रैक्टिस करता रहूँ एंड इट गोज फॉर एवरीथिंग एल्स इन लाइफ एज वेल कि जब आप उतनी मेहनत करते हो तो कुछ भी पॉसिबल है एंड विच इज़ वाई इट वॉज ग्रेट टू गेट बैक ऑन झलक मलाइका मैम वाज स्टिल देयर शी इज जजिंग दिस सीजन एज वेल शी वॉज वन ऑफ द जजेस ऑन माई सीजन एंड कई सारे पुराने कोरियोग्राफर्स मिले एंड मैं हमारे कोरियोग्राफर्स के साथ बहुत फ्रेंडली हुआ करता था बिकॉज आई न्यू कि मेरी जान उनके हाथ में तो वो जो कहेंगे मैं करूँगा और वो जानते हैं कि मैं किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ सो रियली थैंकफुल टू देम इट वॉज रियली नाइस टू सी सो मनी ऑफ देम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट वॉज अंजलि और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है अच्छा। हम कई सालों से ये बात करते आए हैं कि यार तुझे झलक में जाना चाहिए यू सच अ गुड डांसर यू सो फिल्मी इट्स अ परफेक्ट शो फॉर यू एंड अंजलि हमेशा ये कहती थी कि क्या मैं क्या बताऊँ यार वो मुझे बुला ही नहीं रहे आई एम लाइक डोंट वरी दिन आएगा एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी कॉल्ड फॉर इट एंड आई नो दैट यू विल बी वंडरफुल एंड आई एम इट्स वेरी स्वीट ऑफ अंजलि ऑल्सो कि एक थीम था कि द थीम वॉज एनी थिंग दैट वॉज योर फर्स्ट एंड सिंस आई वॉज अंजलिज फर्स्ट को स्टार हमने एक वेब सीरीज साथ में की थी मैनी ईयर्स अगो जहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई तो उसके लिए उसके पास बहुत ऑप्शंस थे शी कुड हैव प्रॉबली गॉन फॉर समबडी फ्रॉम अ फर्स्ट फिल्म और फ्रॉम अ फर्स्ट सीरियल और एनी अदर थिंग्स दैट शी डज बट क्योंकि हमारी दोस्ती है उसने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम ही आओ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सपोर्ट हर बिकॉज आई बिलीव दैट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग शी डिजर्व्स ऑल द लव एंड मैं उसके लिए गया गाना भी गाया थोड़ा सा नाच भी लिया थोड़ा सा एम्बेरस भी हो गए बट इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ट्रिप बैक टू झलक एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड प्लीज मुझे और मत नचवाओ वेल चैंग एक्टिंग भी नहीं छोड़ी आपने वेल काफ़ी वेब शोज भी की और अब आई थिंक अपकमिंग फिल्म आ रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे You're allowed to share something about that. I can share bits and pieces. Okay. Jitna public domain mein already hai. It is Ulaj is a diplomatic thriller. It is a patriotic thriller. Okay. And it is about this group of people who are in the Indian Foreign Services. And jitni jab mujhe ye script mili thi aur jab maine iski research ki, tab jaake aapko samajh mein aata hai ki there's so much that happens behind the curtains and फॉरेन सर्विसेज में डिप्लोमेसी में कितना कुछ होता है जो हम नहीं जानते हैं जो मैं ऐसे बैठे बैठे कई सारी बातों में कह सकते हैं कि इट इज़ ये क्यों नहीं हो रहा है या वो क्यों नहीं हो रहा है बट देर आर मेनी मेनी डिफिकल्ट डिसीजंस टू बी मेड तो उस दुनिया में जो हमारे पूरे किरदार हैं इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड टू बी इन इसके आगे मैं ज़्यादा बोल ही नहीं सकता बट आई थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट प्रोजेक्ट पीपल आर रियली गोइंग टू लव इट जब भी वो आएगी इट हैज़ अ ग्रेट कास्ट जानवी इज देयर गुलशन हु आई रियली रियली लव रोशन हु आई हैव जस्ट मेट एंड आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर मैंने उसकी ज़्यादा मलयालम फिल्म देखी है हिंदी में इतना ज़्यादा नहीं देखा है
But it's a very, very good team. Shreya Dev Dubey is the cinematographer. Sudhanshu is the director, who's this, I wouldn't say new. He has done a couple of things before. And bahut hi committed, convincing, aur bahut hi hasmukh director. So I had a great time. And I hope that people will also love it when it comes out. We are also looking for it. And what do you want to say to the fans, Chang, lastly? जो हमेशा हर वक्त आपके साथ रहते हैं, बने रहते हैं, किसी भी अंदाज में आप आओ उनको एंटरटेन करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच दैट एवरीथिंग दैट आई हैव गॉन इनटू, जो भी मैंने सैम्पल किया है, जिस चीज़ भी मैंने पाँव डाले हैं, कोशिश की है, यू रियली सपोर्टेड मी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन दैट फीडबैक कम्स फ्रॉम यू, दैट इज़ वेन आई नो दैट क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है एंड कहाँ पे क्या बेहतर किया जा सकता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. यू सपोर्टेड मी फ्रॉम वे बैक व्हेन आई केम इन. एंड थैंक यू ऑल्सो टू अ लॉट ऑफ न्यू फैंस जो मुझे रिसेंटली डिस्कवर कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस टू सी दैट ऑल्सो, बिकॉज जो पहले के लोग हैं दे नो मी एज अ सिंगर, जो अभी के लोग हैं दे नो मी एज एन एक्टर, और बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे आप एक्टिंग भी करते हैं, अरे आप सिंगिंग भी करते हैं. सो इट्स रियली नाइस टू हैव दैट एंटायर थिंग. एंड जनरली अगर थोड़ा ज्ञान बांटना हो तो मैं बस ये कहूँगा कि जस्ट बी काइंड टू एवरीबडी, बिकॉज ये जो हमारा प्यार का रिश्ता है ये सिर्फ हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, हम सबके बीच में होना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो है तो सब है.